बसमरिम अज़ीज़ तलबा अलकुम आज हम छः सौ बयासी कोट के जिस यूनिट की बात करेंगे उसका नाम है ऑडिट्री ट्रेनिंग या तरबियत समात जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ऑडिट्री ट्रेनिंग से मुराद किसी शख्स की समात की ऐसे तरबियत करना कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें हेयरिंग इम्पेयरड बच्चों में चूँकि हेयरिंग निज़ाम थोड़ा सा ख़राब होता है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ऑडिट्री ट्रेनिंग का सहारा लिया जाता है ऑडिट्री ट्रेनिंग के चंद बहुत इंपॉर्टेंट मरहल हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और एक बात हम इसमें खातिर खा तौर पर समझ लें कि ऑडिटरी ट्रेनिंग से मुराद हरगज़ उस बच्चे की हेरिंग कैपेसिटी को इनक्रीज़ कर देना नहीं है इससे हरगज़ ये मुराद नहीं कि जो उसका हयरिंग लॉस है वो कम हो जाएगा हाँ ये ज़रूर होगा कि उसकी रिलयबिलिटी कि वो हयरिंग के ऊपर किस कदर इहसार करता है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगी अज़ीज़ तलबा कुत स्मात भी एक हिस है बाकी हिस्ों की तरह और हिस्सों का जब इस्तेमाल किया जाता है जब सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इम्प्रूव हो जाती हैं जैसे फ़ाइन मोटर स्केल्स हैं सेंस ऑफ टच है सेंस ऑफ़ टच आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने से इम्प्रूव हो जाती है देखने की हिस्स बेहतर हो सकती है बिल्कुल इसी तरीके से सुनने की हिस्स भी सम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाए उसके ऊपर डिपेंड किया जाए अनफॉर्चुनेटली बाज़ात चूँकि बच्चा पूरे तरीके से अपनी हेरिंग को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता उसकी डिपेंडेंस उसकी हेरिंग पर कम से कम तर होती चली जाती है यही वजह है कि वो हेयरिंग पर इसार करना छोड़ देता है और ज़्यादातर अपनी विजन का सहारा लेता है और लिप रीडिंग की तरफ और विजुअल क्लूज की तरफ ज़्यादा रिस्पोंड करता है हमारे आज के इस सेशन का मकसद बिलखसूस उस स्किल को उस ऑडिटरी स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है जो कि बच्चे के लिए बात को सुनने में मदद दे सकती है या दूसरे लफ्ज़ों में हम हेयरिंग रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि हमारा बच्चा अपनी रेजिडुअल हेयरिंग जो बाकी मांदा हेयरिंग उसके अंदर बच गई है हेयरिंग लॉस होने के बाद इसको मैं मजीद एग्जांपल देना चाहूँगा मिसाल बड़ी आसान सी है कि एक बच्चा जिसको कि मॉडरेट या सवी डिग्री का हेयरिंग लॉस है तो एक डिग्री ऑफ हेरिंग लॉस उसको हो चुका है लेकिन बाकी कुछ रेजिडुअल हेयरिंग उसके पास मौजूद है वो जो बाकी मांदा हेयरिंग है उसको बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो उसके ऊपर रिलाय करके उस हेयरिंग स्टूमलस को उस आवाज़ के स्टूमिलस को कैच करने की कोशिश करें और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी हेयरिंग का फ़ायदा उठा सकें इन तमाम अवामिल को ऑडिटरी ट्रेनिंग कहते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए चंद गुजारिशात हैं जो कि अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा। ज़रूरी अमर यह है कि ऑडिटरी ट्रेनिंग कराते वक्त उन एक्टिविटीज़ का सहारा लीजिए जो कि बच्चे के इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड हों उसके हेयरिंग एड की सत मुताबिकत रखती हों और कोई आउटडोर इन्वायरमेंट या कोई बाहर से आने वाली आवाज़ जो है वो उस वक्त असरअंदाज असर ना हो ये चंद सेगमेंट्स हैं जिनको कि आपने देखना है अभी और उन तमाम चीज़ों को दिखाने के लिए आइए देखते हैं चंद क्लिप्स मैं मुंह छुपाऊंगा और तुमने आवाज सुन के बताना है कि मैंने कौन सा नाम बोला है बॉल बोला है आम बस या साइकिल जो भी आवाज आएगी आपने सुननी है ठीक है बस आम, बॉल शाबाश। जी अजीज तलबा आपने अभी एक ऑडिट्री ट्रेनिंग का क्लिप देखा उम्मीद है आपको इससे काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजीद इम्प्रूव करने के लिए अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अभी पिछले सेशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसकी मुनासिबत से आपको हमने ये क्लिप दिखाए और एक चीज़ जो आपको पिछली दफ़ा मैं बताना शायद रह गया वो ये था कि आपके आपने आज़म के हाथ में एक काला जाली नुमा कपड़ा देखा जिसको के कि हुप कहते हैं हुप एक जाली नुमा कपड़ा है जो कि सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट के फेस को कवर करता है और बच्चा जो है वो विजुअल स्टूमलस गेन नहीं करता बल्कि बच्चे को सिर्फ आवाज़ पहुंचती है या दूसरे लफ्ज़ों में बच्चे को सिर्फ ऑडिटरी स्टूमलस पहुंच रहा है उसको विजुअल स्टूमलस नहीं पहुंचता मकसद बहुत ही आसान ठहरा मकसद ये है कि हमने बच्चे को ऑडिटरी इनपुट देना है ना कि उसको हम विजुअल इनपुट देंगे

The central part of the eardrum is connected to a small bone of the middle ear called the malleus or hammer. As the malleus vibrates, it transmits the sound vibrations to the other two small bones or ossicles of the middle ear the incus and stapes. As the stapes moves, it pushes a structure called the oval window in and out. This action is passed on to the cochlea. Which is a fluid filled snail like structure that contains the receptor organ for hearing. Let's unwind the cochlea to get a closer look. In this enlarged cut view, you can see the spiral organ of Corti, which is the receptor organ for hearing. It consists of tiny hair cells that translate the fluid vibrations of sounds from its surrounding ducts into electrical impulses that are carried to the brain by sensory nerves. Let's take a look at this process in action. As the stapes rocks back and forth against the oval window, it transmits pressure waves of sound through the fluid of the cochlea, sending the organ of Corti in the cochlear duct into motion. The fibers near the cochlear apex resonate to lower frequency sound. while fibers near the oval window respond to higher frequency sound. तरबियत समात के चंद मराहल जिनको के अब हम डिस्कस करना चाहते हैं वो मराहल बिल तरतीब यूँ हैं नंबर वन अवेयरनेस ऑफ साउंड अवेयरनेस ऑफ साउंड से मुराद आवाज़ से आ गई हम सबसे पहले अपने बच्चों को इस बारे में ट्रेन करते हैं कि क्या इन्वायरमेंट में क्या माहौल में आवाज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती मिसाल ले लीजिए कि आपने बच्चे के सामने ताली बजाई क्या आपने बच्चे के आप बच्चे ने आपके हाथों का के हिलने से आपको रिस्पॉन्ड किया या क्या उस आवाज़ को सुन के बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया अगर तो उसने आपके हाथों को देखकर आपकी तरफ रिस्पोंड किया तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके विजुअल क्लूज के ऊपर ये रिलाय कर रहा लेकिन अगर बच्चे ने ताली की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा या दाएं बाएं मुड़कर देखा इसका मतलब ये था कि बच्चे ने एक ऑडिटरी स्टूमल्स को रिस्पॉन्स किया तो याद रखिए ये ऑडिटरी ट्रेनिंग है इसमें विजुअल स्टूमेलस नहीं होगा इसमें ऑडिटरी स्टूमेलस होगा तो क्लैपिंग इज़ वन एग्जांपल ताली बजाना इज़ वन एग्जांपल आपने किसी बर्तन से शोर किया आपने डोर बेल बजाई गाड़ी का हॉर्न मोटरसाइकिल का हॉर्न ये सारी की सारी आवाज़ें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हर वक्त मौजूद होती हैं और हम इनके बारे में कॉन्शियस होते हैं और हम इनको रिस्पोंड करते हैं

आवाज़ से आगाही या अवेयरनेस ऑफ साउंड इसके चार सब स्टेप्स हैं उन चार सब स्टेप्स में जो पहला स्टेप है वो है लिसनिंग कि एक बच्चा आवाज़ को सुने आपने बच्चे की ऑडिटरी ट्रेनिंग करवानी है आपने बच्चे की हेयरिंग इंप्रूव करवानी है तो सबसे पहली चीज़ हम उस आवाज़ का सहारा लेंगे जिसको बच्चा सुनता है आप ज़रा जहन पर ज़ोर दीजिए कि कौन सी आवाज़ हो सकती है क्या ये हल्की सी आवाज़ होगी या क्या ये ऊंची आवाज़ होगी समझ आई ये आवाज़ ऊंची होगी जितनी के बच्चा रिस्पोंड कर सकता है यानी वो ज्यादा से ज्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करे जो कि बच्चा रिस्पोंड करेगा फिर उस आवाज़ को हम ग्रेजुअली कम करते चले जाएंगे उसकी लिसनिंग एबिलिटीज इंप्रूव होती चली लेट अस सपोज एक बच्चा हमारे पास प्रोफाउंड प्रोफाउंडरिंग लॉस के साथ बैठा हुआ है तो हम उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोई हल्की सी आवाज़ जैसे टेबल की नॉक आहिस्ता आहिस्ा कर दें ये आवाज़ नहीं थोड़ी सी लाउड कीजिए आप ड्रम इस्तेमाल कीजिए आप रेटल इस्तेमाल कीजिए आप कोई और आवाज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि बच्चा अपनी रेजिडुअल हेयरिंग के मुताबिक अपने फ्रिक्वेंसी लॉस के मुताबिक उस आवाज़ को डिटेक्ट कर सके इसको कहते हैं लिसनिंग एबिलिटीज़ इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है फर्क करना कि जो बच्चे को आवाज आई है वो फर्क कर सके कि क्या ये ताली की आवाज है या क्या ये ड्रम की आवाज है आपने इन तीनों की आवाज सुन के बताना है कि इसमें से मैंने कौन सी आवाज की है ठीक है ये आवाज है ये आपने मुझे के बताया है मुझे इसकी आवाज है शाहबाज दोबारा रेटल की आवाज है शाहबाज वापस मुड़ो ड्रम की आवाज है शाबाश। मुड़ो किसकी आवाज आई है शाबाश बहुत अच्छा काम किया ये किस चीज की आवाज है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन तो ये सुनने से अगला स्टेप हो गया सुनना तो ये था कि आवाज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती और उसका जो सेकंड स्टेप है वो है डिस्क्रिमिनेशन कि यहां पर सुनने से बढ़कर बच्चा ये भी बता रहा है कि ये आवाज इस चीज की है या ये आवाज इस चीज की है जब एक बच्चे में ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है ऑडिटरी ट्रेनिंग के बाद तो उसकी जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन कि बच्चा प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है कौन थे? सी चीज़ में किस कदर आवाज़ थी लाउड साउंड थी लो साउंड थी आइडेंटिफाई किया कि ये बाजे की आवाज़ और जोर से बजाया आपने बाजा ये विसल की आवाज़ है विसल जरा हल्की बजाई आपने लाइटली बजाई है सो यहाँ पर एक बच्चे को एक और चीज़ का भी एहसास हो रहा है पहले वो बताता था कि आवाज़ है कि नहीं है फिर उसने बताया है कि बाजा या बांसुरी है मोटरसाइकिल है, मोटर है या गाड़ी की आवाज़ है और फिर तीसरे नंबर पर वो बता रहा है कि शायद गाड़ी भी कौन सी है शायद आपको ये भी बता देगा कि ये ट्रैक्टर की आवाज़ है या ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है कि सुनना हरगिज़ ये नहीं होता कि आवाज़ को सुन लिया जाए आवाज़ को सुनना कोई हेरिंग एबिलिटी नहीं है आवाज़ को सुनना आवाज़ को डिस्क्रिमिनेट करना आवाज़ को पहचानना और आवाज़ को समझना के इससे क्या मकसद है और यही चौथी चीज होती है जिसको कि कंप्रीहेंशन बोला जाता है तो ऑडिटरी ट्रेनिंग का जो चौथा सब एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन नाम से जाहिर है कि क्या बच्चे ने उस चीज को समझा कि मैंने क्या बात की या किस चीज की आवाज़ आई कितनी ड्यूरेशन के लिए आई इसका मकसद क्या हो सकता चार चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की अवेयरनेस ऑफ साउंड के चार सब स्टेप्स हो गए नंबर वन is लिसनिंग नंबर 2 is डिस्क्रिमिनेशन फ़र्क करना नंबर 3 is आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना एंड नंबर 4 इज़ comprehension ये चार एलिमेंट्स जब हमारे बच्चे में आ जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इसको अवेयरनेस ऑफ साउंड के बारे में पता है इसको ये पता है कि आवाज़ एग्जिस्ट कर रही है किसकी आवाज़ है और ये आवाज़ की ड्यूरेशन वगैरह क्या चीज़ है तरबियत समात का दूसरा इम्पॉर्टेंट मरहला फोनीटिक लसनिंग है फोनीटिक लसनिंग से मुराद स्पीच साउंड्स के बारे में सुनना इससे पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि मैं बात कर रहा था वो आवाज़ें जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं अब इन्वायरमेंट में किस्म की आवाज़ें हैं मिसाल के तौर पर बाहर से किसी चीज़ का गुजर जाना यह भी आवाज़ है किसी का किसी और को पुकारना ये भी आवाज़ है किसी बर्तन का गिर जाना यह भी आवाज़ है लेकिन स्पीच साउंडस आर वेरी इंपॉर्टेंट अब जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो आपके इर्द गिर्द शायद लोग बातें भी कर रहे होंगे शायद आपके घर वाले आपस में बात कर रहे हो लेकिन जो स्टूमलस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके लिए आपकी फोनेटिक लिसनिंग इम्पोर्टेंट है आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे मेरी बात को समझेंगे तो फनीटिक लिसनिंग वो मरहला हो गया जिसमें हम बच्चे की ऑडिट्री ट्रेनिंग करेंगे तरबियत समात करेंगे फॉर स्पीच साउंड ओनली ये वो आवाज़ें होंगी जिनका ताल्लुक स्पीच से होगा चाहे वो एक लफ्स की शक्ल में हो चाहे वो एक जुमले की शक्ल में हो या चाहे वो इससे बड़ा कोई अरेंजमेंट हो मकसद सिर्फ ये हुआ कि अपने बच्चे को फनीटिकली इस कदर तेज कर दें इस कदर उसकी अटेंटिवनेस उसकी हेयरिंग अटेंटिवनेस आवाजों के लिए स्पीच साउंड्स के लिए इस कदर ज्यादा हो जाए कि वो लफ्जों को पिक करना शुरू कर दें पाकिस्तान भी एक लफ्ज है पंखा भी एक लफ्ज़ है और पान भी एक लफ्ज़ है लेकिन जरा अगर आप गौर करेंगे तो पान की ड्यूरेशन थोड़ी है पंखा की ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी और पाकिस्तान की उससे बड़ी एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखते चले जाते हैं इसका नाम है सिलेबल्स। जब साउंड्स की जब आवाज़ों की जब अल्फाज को सीखना होता है तो उसमें सिलेबल का कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है सिलेबल वो कम से कम अटरेंस होती है वो कम से कम अदायगी आवाज़ या अदायगी लफ्ज़ होती है जो एक ही सांस में अदा कर दिया जाए मिसाल के तौर पर हम सब बोलें अगर पान तो पान एक ही सांस में अदा कर दिया गया लेकिन अगर मैं बोलूँगा पाकिस्तान तो इसमें तीन दफा मुझे जर्क्स लगे ये तीन सेगमेंट्स में मैंने इसको अदा किया लिहाजा पाकिस्तान की तीन सेलेबल्स हो गए पान का एक सेलेबल हो गया और तरकमास्तान तर्कमास्तान इसको तो पांच या छह सेलेबल्स हो गए लिहाजा सिलेबल बेस्ड ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाई जा